अस्सलाम वालेकुम यानी इस्लाम अदर ईद गदीर आप सबको मुबारकबाद। ये नियाज ले रहा हूँ मोमिन के लिए ईद गदीर के। आप तमाम मोमिन को मुबारकबाद। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह ईद गदीर का ये नियाज आप भी मुझसे ले सकते हैं। ये कुछ मोमिनात हैं और मोमिन हैं उनकी तरफ से मेरा अब्बास और एक भाई है जिन्होंने ईद गदीर के नियाज के लिए कहा। और एक दो सिस्टर और भी हैं, सिस्टर मेरा यूके में आते हैं उनकी तरफ से, और तमाम मोमिन जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारी तरफ से न्याज करना। सारा न्याज मुझे गरीब का मोमिन को देने जा रहा हूँ। आप तमाम मोमिया मोमिन को ये गरीब मुबारकबाद। फिर खूबसूरत अगर मौला ने चाहा तो ये वक्त आया तो ये मेरा न्याज आप भी मेरे हाथ से लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सी लाइकिन भाई ईद गदीर आप तमाम मोमिन को मुबारकबाद। और ये ईद बाद ये ऐसी ईद है कि जहाँ पर दुनिया का हर मोमिन अबार दुनिया का ये नज़र तशरफ है मौला का रोज़ा इनको दिखाए सामने नादर बादशाह की वो बाजार है। मोहम्मद वाल मोहम्मद ईद गदीर पर नजफ अशरफ में गाड़ियों पे जुलूस आपने हमेशा 12 रबीउल पे देखा होगा 17 रबीउल, मगर नजफ अशरफ में पानी की सबीलें इस गर्मी के मौसम में मौला अली अलैहिस्सलाम की ईद गदीर का एक जश्न मनाया जा रहा है खूबसूरत तरीके से। ये शार मदीना है शार रसूल के करीब, तो ये खूबसूरत मंजर आप जैसे देख सकते हैं गाड़ियों को सजा कर मौला के इस जश्न को मनाया जा रहा है। सब मिलकर कहें या अली या अली बाय नाक यानी तेरी बैयत करते हैं। ये देखो मिठाई भी मिली है ईद गदीर की मुझे। चलो ये आपकी तरफ से है ईद गदीर मुबारकबाद आप सबको। मौला के रोज़े पे जा रहा हूँ ईद मुबारक कहने के लिए। आप सब मोमिनीन को ईद मुबारक। ईद गदीर आइमा मासूमीन ने कहा इस ईद से बढ़कर कोई ईद नहीं हो सकती। हम मासूमीन की ईद भी ईद गदीर है। तो मैं रोज़े की तरफ जा रहा हूँ इंशाल्लाह तमाम मनाज़िर आपको दिखाए जाएंगे। ये मौला की तरफ जा रहा हूँ शार रसूल की तरफ ये रास्ता है। आप सबके लिए दुआ को आप सबकी तरफ से मौला को ईद मुबारक कहने के लिए जा रहा हूँ।